अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। मैं हूं अहमद जकी। पिंडी बटिया के नवाही मोहल्ला हसनपुरा में गंदगी की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गलियों में नालियों के गंदे पानी की वजह से गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। गंदगी की वजह से बच्चे, बूढ़े और नमाजियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों ने सीबीसी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम अली हसन, पिंडी बटिया मोहल्ला हसनपुरा गली नंबर 7 गल कर रहे हैं जी। नालियां की हालत वेखी जाए तो बहुत ही इंतहाई खराब है। जब बारिश आती है दो तीन तीन फुट पानी में खड़िया रहा भी अक्सर तंग होकर लंघते हैं। उस अलावा गलियां सारिया बन गई, साड़ी गली उदा ही है। बच्चे बीमार हो रहे, बारिश होती दो तीन तीन चार चार फुट पानी खड़िया रहा नहीं। गलियां सफाई है कोई नहीं, निकासी होंगी नहीं है। सब जब जुमेरात होंगी जब जुमेरात मंगन आ जाते। पिंडी बटिया मोहल्ला हसनपुरा गली नंबर 7 वो तो गुजारिश कर रहे हैं, चार चार त्रै त्रै डंग खड़ा रहा है, त्रै त्रै चार चार फुट। अगली गली बन गई है वो उची बनी है, पिछली नीवी वो सारा मल्ले दे पानी इतने आके रुक जाता है। हसनपुरा गली नंबर 7 तो बोल रहा, ये साड़ी गली की बहुत ही हालत नाजुक है। तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं, जिस टाइम बारिश आवे तीन तीन चार चार फुट बार पानी खड़ा हो जाता है। बराए मेहरबानी ठीक करवा दो। तो देखो नहीं जुमे रात लैनी हो जुमे रात वाले दिन गलियां भरी जाएँ पैसे लैन वास्ते, अगे पिछे इधर चीज़ लगती को नहीं। बराए मेहरबानी करके इसको ठीक करवा दो। दूसरी तरफ शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। आपको एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते चलें कि पिंडी बटिया में इंतजामिया के खिलाफ शहरियों ने शदीद नारेबाजी और एहतजाज किया। मोहल्ले को गंदगी से साफ करने के लिए इंतजामिया लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, ये कहना है पिंडी बटिया के शहरियों का।